वो पाकिस्तान जो कभी सियासत तो कभी अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा में रहता, हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को दो वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर लगभग 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा कर्ज है। इन हालातों में देश पर डिफॉल्ट होने का भी खतरा साफ तौर पर मंडरा रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लगातार चीन, सऊदी अरब और अमेरिका के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाए बैठा है। चीन ने पाकिस्तान की मदद भी की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान दूसरे देशों पर अपने तथ्यहीन बयान देने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान के बयानों वाले कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन वीडियो की जांच कर लेना बेहद जरूरी है। अब पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और तकनीकी मंत्री रहे फवाद चौधरी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें भारत के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो को सच मान बैठे, हम आपको बता दें कि ये वीडियो वास्तव में 4 साल पहले का है और फवाद उस समय चांद देखने पर चर्चा कर रहे थे। फवाद ने तो भारत को चंद्रयान 3 के लिए बधाई दी थी। हालांकि फवाद का वो ट्वीट तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन 4 साल पुरानी इस वीडियो को जरूर वायरल कर दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में फवाद की वीडियो को लेकर गलत जानकारी साझा की गई, लेकिन वीडियो पूरा देखने पर पता लगता है कि वह चंद्रयान 3 नहीं बल्कि चंद्रयान 2 मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। फवाद से चंद्रमा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इतना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी लंबाई तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से उनका मतलब था कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी कोशिशों को अंजाम देने की जरूरत नहीं है। चांद नजर आ जाता है, उसका लोकेशन पता होता है। उनके इस बयान का चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से कोई संबंध नहीं है। फवाद चौधरी का ये वीडियो 26 मई 2019 का है, जब वो पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और ईद पर चर्चा कर रहे थे।